एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बुक में से। वी आर स्टडिंग द ब्रेन रूट सीरीज एंड द नेम ऑफ आर बुक इज ग्रामर ग्लिटोरोजेसी ऑफ क्लास 6। तो आज हमारे चैप्टर का नाम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 9, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो हमें पता है हमें किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड से अच्छा है बेटर, बेटर से अच्छा है बेस्ट, राइट? सो यही हमारे कंपैरिजन करने के तरीके होते हैं। चलिए अब हम देख सकते हैं एक एडजेक्टिव को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 3 इंटेंसिटीज या क्वांटम्स होते हैं। 3 मतलब लेवल्स होते हैं, आई विल से इन जनरल वर्ड्स, उसे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। पहले हमारे पास आती है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड आते हैं कंपेरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? एन ऑब्जेक्टिव इज सेट टू बी इन पॉजिटिव डिग्री व्हेन इट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग कंपेयर। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करते, जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, हमने उस गुड वर्ड जो है वो पॉजिटिव डिग्री में आता है। क्या हमने उस सेंटेंस में उस लड़की को शी इज़ अ गुड गर्ल में किसी को कंपेयर किया है उसके साथ? नहीं करा, हमने सिर्फ बोला है वो एक अच्छी लड़की है, गुड वर्ड हमने यूज़ करा है। गिवेश इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, बात समझ आ रही है? गिवेश इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, हमने किसी से कंपेयर नहीं करा। स्ट्रॉन्ग इज़ अ पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं बोलूँ दिवेश इज़ स्ट्रॉन्गर दैन हिज फ्रेंड, तो मैंने कंपेयर करा, तो तब हमारा दूसरा डिग्री होगा। बट अभी हम जब किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, उन नॉर्मल वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। सेकेंड आती है कंपेरेटिव डिग्री, जब हम एक एडजेक्टिव को मेजर करने के लिए दूसरे नाउन से उस पर्टिकुलर नाउन को कंपेयर करें, जैसे करण इज स्ट्रॉन्गर दैन गिरीश, सुनैना इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन सलोनी। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हम दो नाउन्स की बात करेंगे, हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में दो नाउन्स की बात करेंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? यस, तब हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है कंपेरेटिव वर्ड हमेशा दैन के साथ फॉलो होता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ये हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री। शी इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन रिया, तो जब मैंने मोर ब्यूटिफुल यूज़ किया उसके साथ मैंने दैन भी यूज़ किया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब मैं कंपेरेटिव डिग्री आपको यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे? दैन वर्ड भी यूज़ करेंगे आफ्टर द कंपेरेटिव वर्ड। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है सुपरलेटिव, जिसके अंदर हम बिल्कुल वो नाउन चूज़ करते हैं जो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, जैसे एन एडजेक्टिव शोज दैट अ नाउन विच इज़ कंपेरेबल टू मोर दैन 2 नाउन्स। ठीक है, जब हम किसी दो लोगों को कंपेयर करें तो हमारी कंपेरेटिव डिग्री है, पर जब हम दो से ज़्यादा लोगों के साथ किसी चीज़ को किसी नाउन को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। जैसे नील इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सुनहरी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, राइट? तो मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा सुंदर, जब मैं इस तरीके से बात करती हूँ तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री का टाइप होता है, राइट? अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री को बनाएंगे कैसे और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम ER वाले वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, राइट? वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ठीक है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगला टाइप हमारे पास क्या आता है, वो एडजेक्टिव्स जो कॉन्सोनेंट के साथ एंड हो रहे हैं पर उससे पहले एक वोवल आ रहा है, उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? ER और EST, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? जो वर्ड्स हमारे Y से एंड होते हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? Y को I से रिप्लेस कर देते हैं और क्या यूज़ कर लेते हैं? ER या फिर EST इन सुपरलेटिव डिग्री। हैवी है, हमने Y हटाया, I से रिप्लेस करा और ER लगा दिया, तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजीएस्ट, स्पेलिंग देखिए आप, नॉइजियर, नॉइजीएस्ट, प्रिटी, वाई हटाया, आई लगाया, ER, EST, ठीक है, वेल्दी, वाई हटाया, आई लगाया, ER, EST,
राइट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, समझ आ गया होगा आपको. अब नेक्स्ट में क्या है, जब हमारे पास वाई से एंड हो रहा है वर्ड, पर उससे पहले एक वोवल आ रहा है, वाई से पहले एक वोवल आ रहा है, आप देख सकते हैं इन वर्ड्स में क्या हो रहा है, वाई से पहले एक वोवल आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ही ER और EST लगा देते हैं, हम आई से रिप्लेस वाई को नहीं करते हैं. वाई को रिप्लेस कब करना है, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो. अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं होगा, एक वोवल होगा, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उसमें ER या EST को जोड़ देंगे. ग्रे, ग्रे और ग्रेएस्ट, ग्रे, ग्रायर, ग्रायस्ट, गे, गे और गेएस्ट, राइट, इस तरीके से. अब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम जैसे डिफ़िकल्ट एक वर्ड है, डिफ़िकल्ट को डिफ़िकल्टेस्ट नहीं बोलते हम, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. तो हम कैसे करेंगे, डिफ़िकल्ट, ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट, ऐसे वर्ड्स को कैसे कंपेयर और सुपरलेटिव डिग्री उसकी कैसे लिखेंगे, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, इन्जॉयबल, मोर इन्जॉयबल, मोस्ट इन्जॉयबल, फॉरगेटफुल, मोर फॉरगेटफुल, मोस्ट फॉरगेटफुल, बात समझ आई. नेक्स्ट क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बस कोई रूल नहीं होता, हमें उन्हें याद ही करने होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लेट, लेटर, लैटर भी लिख सकते हैं, और लेटेस्ट, लास्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ओके, अब हमारे पास टास्क है जिसके अंदर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन को फिल करना है. Thea is dash than more of her friends. Thea is smarter. Nobody is dash than you. Nobody is better than you. Okay? Princey was dash of all. Princey was most elegant of all. हमें elegant word use करना था, और elegant के साथ हम हमेशा most या more ही use करते हैं. लास्ट थ्री आई विल गिव यू एज योर होमवर्क बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू ट्राई योर सेल्फ. ठीक है, चलिए अब हम आगे जाएंगे. आगे देखते हैं बी वाला. अंडरलाइन द एरर इन ईच सेंटेंस, राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है, ही लिव्स द फार फ्रॉम द लाइब्रेरी. ही लिव्स द फार फ्रॉम द लाइब्रेरी इज अ रॉन्ग सेंटेंस. यू कैन सी दिस इज द एरर, द फार. आपको क्या करना है, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन सही करके लिखनी है. ही लिव्स फार फ्रॉम द लाइब्रेरी, सिंपली हमारा फार आ जाएगा. आउट ऑफ द थ्री ही इज द ओल्डर. आउट ऑफ द थ्री ही इज द ओल्डेस्ट, क्योंकि तीन लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, राइट, तो ओल्डेस्ट वर्ड यूज होगा. दिस प्ले इज फनी दैन द अदर वन. दिस प्ले इज फनियर दैन द अदर वन, क्योंकि हम दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, राइट. द एलिफेंट इज़ द लार्जर ऑफ ऑल एनिमल्स. हम सारे में से एक की बात कर रहे हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, तो ये लार्जेस्ट, राइट. लास्ट टू आई विल गिव यू एज योर होमवर्क, जस्ट लाइक द फर्स्ट फोर, आपको लास्ट टू भी ट्राई करने हैं एंड उसमें एरर ढूंढ के उसका करेक्ट डिग्री लिखनी है. ठीक है, चलिए अब. इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. The tree is as big as that. That tree is not bigger than this. तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस के अंदर हमने क्या करा, मीनिंग हमारा सेम है बट हमने दोनों डिग्रीज अलग अलग यूज करी हैं. No other fruit is as nutritious as banana. This is the most nutritious food. तो as nutritious as में मैंने क्या यूज़ करा, पॉजिटिव डिग्री, और द मोस्ट न्यूट्रिशियस में कौन सी डिग्री यूज़ हुई है, यस, हमारी हुई है सुपरलेटिव डिग्री यूज़. I hope this is clear. Now let's move ahead. चलिए अब हमारे पास ये टास्क है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईच सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड. द मीनिंग शुड नॉट चेंज. शी थिंक्स दैट चॉकलेट पेस्ट्रीज आर टेस्टियर दैन चॉकलेट मफिन्स. हमें क्या यूज करना है, एज टेस्टी एज. ठीक है, हम क्या लिखेंगे, शी थिंक्स दैट चॉकलेट पेस्ट्रीज आर एज टेस्टी एज मफिन्स, राइट. सो आप क्या लिखेंगे, as tasty as muffins, इस तरीके से आपको करना है. सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. क्या यूज़ करना है, यूज़ as small as. नो अदर कॉन्टिनेंट इज as small as ऑस्ट्रेलिया. बात समझ आई आपको मैंने किस तरीके से किया, नो अदर कॉन्टिनेंट इज स्मॉल as ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट,
That tree is as big as the one we have in our garden. हमें क्या यूज़ करना है? Not bigger than. That tree is not bigger than the one we have in our garden. Clear? Fourth, no other pen is as expensive as this one. Begin with this is. This is the most expensive pen. Okay? Sixth, now the fifth one. That knife is not as sharp as this one. हमें किससे begin करना है? This knife. This knife is the sharpest of all. ठीक है? Next है sixth. No other precious stone is more expensive than a diamond. Begin with a diamond. A diamond is the most expensive stone of all. बात समझ आई? Next is the D one. जिसके अंदर हमें क्या करना है? Complete the sentences by filling with many, much, more, most as required. That is the most delicious cake I have ever eaten. तो ये सबसे ज़्यादा delicious है, right? तो हम यहाँ पे क्या use करेंगे? Most. I have told you dash times to write your name on the books many times. Physical punishment does dash harm than good. Does much harm than good. Okay? The candidate who gets the dash votes enters the parliament. Who gets the much vote, most votes. Okay? Repeating the fourth one again. The candidate who gets the most votes. The child appears dash energetic after taking the tonic, more energetic. Right? And last three, you have to do yourself in your homework. Great. Now we will move on and see what we have. Next we have this exercise जिसमें हमें क्या करना है? इन sentences को change करना है इन brackets के basis पे. जैसे Amy is as brave as Penny. So हमें किस में change करना है? Comparative degree में. Amy is more braver than Penny. Right? तो आप more braver use करेंगे. Gold is the most expensive of all the metals. Positive degree. Gold is an expensive metal. आप simply बोल सकते हैं gold is an expensive metal. Ramu is stronger than Shamu. Positive degree में आपको बोलना है. Ramu is strong. Right? China has the higher population than India. Positive degree. China has high population. Right? Rhea is the laziest girl in the class. Positive degree में करना है. Rhea is a lazy girl. ठीक है? Meenu is the sweetest girl in the class. फिर से आपको इसको किस में करना है? Positive degree. Meenu is a sweet girl. The Nav Bharat Times has a bigger circulation than any other people. The Nav Bharat Times has the biggest circulation. तो आपको इसको superlative में करना था. Last three, 8th, 9th and 10th, you have to do in your homework. आपको ये homework में करने हैं. Please do it. Okay, so that's it for this chapter, everyone. I hope you were able to understand. I will meet you in the next video now. Till then, goodbye and take care.